नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के 12वें दिन की कथा अध्याय 12 में। जलंधर का शिवजी के पास राहु को दूत बनाकर भेजना। नारद जी बोले, हे राजा प्रथु, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन सत्कार करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? आज्ञा करिए। हे प्रभो, आपने कहीं कुछ देखा है जिसके लिए यहाँ आए हैं? सो हे मुनीश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैं कैलाश पर्वत पर गया था, वहाँ पार्वती माता के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। कैलाश पर्वत 10,000 योजन बड़ा है, वहाँ अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु गायें हैं और बहुत से चिंतामणियों से प्रकाशित हैं। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान समृद्धि कहीं है या नहीं। हे दैतेंद्र, तब तुम्हारे वैभव की मुझे याद आई, इस कारण उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान बलशाली, भाग्यशाली और कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी इस समृद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी त्रिलोकी में कोई नहीं है। यदि भी अनेकों अप्सराएं और नाग कन्याएं आदि आपके यहाँ हैं, तो भी वे पार्वती जी जैसी सुंदर नहीं है, जिसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने अपने वीर को छोड़ दिया था। तब उसके साथ किस स्त्री की तुलना की जाए? एक बार मछली रूपधारी पार्वती की सुंदरता रूपी वन में तपस्वी महादेव जी ने भी भ्रमण किया था। सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेक अप्सराओं को पैदा करने का प्रयास किया, परंतु उनके रूप के समान कोई अप्सरा पैदा न हुई। स्त्री रत्न को भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है, परंतु सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा वैभव ऐसा नहीं है। ऐसा कहकर राजा जलंधर से अनुमति लेकर जब मैं वहां से चल दिया, तब वह दैत्यराज पार्वती जी के रूप को सुन कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। तत्पश्चात भगवान की माया से मोहित होकर सिंहका के पुत्र राहु को अपना दूत बनाकर जलंधर ने महादेव जी के पास भेजा। उज्जवल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग में रंगकर वह राहु वहां गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास गया। तब शिव जी के बोहे चढ़ाकर इशारे से पूछने पर राहु बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी, हे रत्नेश्वर, जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हांडो की मालाधारी दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ, पार्वती स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य है, तुम जैसे नंगे और जटाधारी भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसे वचन कहते ही महादेव जी की मध्य भ्रुकुटी में एक वज्र जैसा भयंकर पुरुष पैदा हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था, लहलहाती जीव थी, जिसके नेत्रों में ज्वाला थी, ऊपर को उठे हुए केश थे, सूखा हुआ शरीर था। इस प्रकार वह दूसरा नरसिंह जैसा लगता था। उसे अपनी ओर खाने के लिए आते देखकर राहु डर कर भागा, परंतु बीच में ही जाकर उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जब राहु को पकड़कर खाने लगा, तब शिव जी ने उसे मना किया कि यह मारने योग्य नहीं है, यह एक दूत है और पराधीन है, इसे छोड़ दो। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर उस पुरुष ने महादेव जी से प्रार्थना की। वह बोला, मुझको भूख लगी है, जिसके कारण मैं दुर्लभ हो गया हूँ। हे देव, मैं क्या खाऊं, यह मुझे आज्ञा दो। शिव जी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव जी की ऐसी आज्ञा से उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस खाना शुरू कर दिया। उसने इस तरह से खाया कि केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देख शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले,
हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रहे। नारद जी बोले, उसी दिन से वह शिव जी के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते हैं, उनका शिव पूजन वृथा होता है। कीर्तिमुख द्वारा फेंका गया वह राहु बर्बर स्थल पर जाकर गिरा, इसलिए वह बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर वह राहु इसे जिंदा बच जाने को अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास गया और सब वृतांत कहा। इति श्री कार्तिक मास महात्म द्वादश अध्याय संपूर्ण।